तो हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने गैलेक्सी F23 5G मोबाइल में अपना फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट कैसे सेटअप कर सकते हो वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली फिर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो जैसे आप सेटिंग में चले जाते हो तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी का। तो सिंपली फिर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर आपको यहाँ पर फेस अनलॉक मिल रहा है, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेटिंग मिल रही है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नीचे यहाँ पर करने के बाद दोस्तों अभी सबसे पहले ये आपको बोलेगा कि आपको यहाँ पर अपना पैटर्नल पिन या पासवर्ड इनमें से कुछ भी आपको लगाना है पहले। तो यहाँ पर मैं दोस्तों पैटर्नल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पैटर्नल में यहाँ पर आपको कोई भी एक पैटर्नल अपना सेट कर लेना है और यहाँ पर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फिर से आपको यहाँ पर पैटर्नल पर क्लिक करना है और यहाँ पर कन्फर्म कर लेना आपको। ठीक है, कन्फर्म करने के बाद दोस्तों अभी आपको ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है और यहाँ पर अपना जो है थंब को इधर राइट एंड साइड पर ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, जैसे आप करोगे तो आपका जो फिंगरप्रिंट है वो लग जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली लग जाएगा, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एग्री पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अभी ये सैमसंग का अकाउंट अगर बनाना है तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, वो वीडियो आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर बैक जाता हूँ मैं। बैक जाने के बाद दोस्तों अभी आपको टेस्ट करके दिखा देता हूं। यहां पर एंड यहां पर क्लिक किया तो ओपन हो गया। ठीक है, तो यहां पर फिर से क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। ठीक है, तो इंस्टेंटली ओपन हो रहा है। अच्छे से आप दोस्तों ऐसे फिंगरप्रिंट सेटअप कर सकते हो। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।